देश भर में भारत सरकार रोजगार मेले का आयोजन कर रही है। सभी राज्यों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुट रहे हैं। रोजगार मेले के जरिए 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। भोपाल के समन्वय भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा मुख्य तौर पर शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकारी नौकरी मिलने वाले युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। 10 लाख रोजगार के अवसर सृजन करने का स्वयं प्रधानमंत्री जी ने का कार्यक्रम आज भोपाल में आयोजित किया गया है। देश का युवा आज देश की शक्ति है। देश का युवा आज देश की जान है, देश की शान है और देश का हृदय। उस युवा को प्रोत्साहित करने के लिए जहां एक भागीदारी केंद्र सरकार, प्रदेश के सरकार और निजी क्षेत्र, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के द्वारा आयोजित किया गया है। मैं बधाई देना चाहता हूं। शुरुआत इस दिन से की है। भारत का सफर आज अमृतकाल से शताब्दी काल तक प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत को विश्व पटल पर सर्वश्रेष्ठ रूप में, विश्व गुरु के रूप में उजागर करने का, और उसमें हम सबको अपना योगदान देना होगा। मुझे विश्वास है कि ऐसे प्रोत्साहन के आधार पर हमारे नौजवानों को एक नई शक्ति प्रदान की जाएगी, जिसके आधार पर भारत का भविष्य हमारे नौजवान हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर एक नया भविष्य और एक नया सूर्योदय का सृजन जरूर करेंगे। सर, आपने मनमोहन सिंह जी के साथ भी एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टार्टअप्स ने 40 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब तैयार की है। इसी तरह ड्रोन इंडस्ट्री है, आज एग्रीकल्चर हो या डिफेंस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सर्वे हो या फिर स्वामित्व योजना, ड्रोन की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए बहुत सारे युवा ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, ड्रोन फ्लाइंग से जुड़ रहे हैं। आपने ये भी देखा है कि बीते 8-9 वर्षों में कैसे देश के स्पोर्ट्स सेक्टर का कायाकल्प हो गया। आज देश भर में तो गति देने के लिए सरकार जो एफपीओस बना रही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को लाखों करोड़ों की मदद दे रही है, स्टोरेज कैपेसिटी का विस्तार कर रही है, उससे गांव के युवाओं के अपने गांव में ही रोजगार के अवसर बन रहे हैं। 2014 के बाद से देश में 3 लाख से ज्यादा नए कॉमन सर्विस सेंटर्स बने हैं। 2014 के बाद से देश के गांवों में 6 लाख किलोमीटर से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है। 2014 के बाद से देश में 3 करोड़ से ज्यादा घर गरीबों को बनाकर दिए गए हैं। इनमें से 2.5 करोड़ से ज्यादा घर गांवों में ही बने। बीते वर्षों में गांवों में 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय, 1.5 लाख से ज्यादा हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स, हजारों नए पंचायत भवन, इन सभी निर्माण कार्यों ने गांवों में लाखों युवाओं को काम दिया है, रोजगार दिया है।